हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजनी मंगला और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। जो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सादे ब्लाउज़ का नाप है लंबाई 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, तीरा 10 इंच, कमर 30 इंच, आगे का गला 7 इंच, पीछे का गला 8 इंच, नेक टू चेस्ट 10 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच, स्लीव बॉटम 5.5 इंच। सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करने से पहले हमें कपड़े बिछाने का तरीका देख लीजिए। हमारे पास एक किनारी की साइड है और एक हमारी फोल्ड साइड है। हमने किनारी से किनारी को मिलाया है, देखिए हमने किनारी से किनारी को मिलाकर और हमें इस तरफ फ्रंट का ड्राफ्ट लगाना है और हमने इसमें 80 सेंटीमीटर कपड़ा यूज़ किया है। देखिए हमारी लंबाई 14 इंच है, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे नीचे मोड़ने के लिए तो 16.5 इंच हो गई लंबाई। उसके बाद हमारा तीरा 10 इंच है, क्योंकि हमारा पीछे का गला 8 इंच है इसलिए तीरा हमारा कम होगा, तो हमारा तीरा होगा 10 इंच, उसका आधा हम लेंगे 5 इंच। आर्म होल की लंबाई हमारी 5.5 इंच, तीरे से हमेशा आधा इंच ज़्यादा होती है। चेस्ट लाइन में हमें लेना है चेस्ट का 4+1, तो हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो 9 × 4=36, 9 और 1=10, हमारी चेस्ट लाइन की जो लंबाई होगी वो 10 इंच होगी और नीचे भी हमारी लंबाई 10 इंच होगी। अब हम स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। तीरा हमारा 5 इंच है, यहाँ से भी 5 इंच को लेके हम इसको भी सीधा मिलाएंगे। अब हम जो गला जो है पाइपिंग वाला बनाएंगे, उसके लिए हमें गले की चौड़ाई चेस्ट का 12 लेनी है, तो 12 × 36 3 इंच चौड़ाई होगी हमारी। गले की लंबाई हमारी 7 इंच है तो 7 इंच लेंगे। अब हम 3 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई का एक बॉक्स तैयार करेंगे और उसके अंदर हम गोलाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे मुड्ढे की शेप करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करने का तरीका ये देखिए, इस तरीके से आप 3 हिस्से करेंगे, 1, 2 और ये 3। यहाँ से आप 1 इंच लेंगे कॉर्नर से और इसको टच करते हुए जाएंगे, आपकी फ्रंट की शेप हो जाएगी। अब हमारी जो लंबाई थी वो 14 इंच है, 2.5 इंच हमने नीचे मोड़ने का लिया था, तो 14 इंच पे लाइन लगाएंगे हम। अब हम आपको डॉट डालना सिखाएंगे। यहाँ पे जो हमारी पहली डॉट की जो चौड़ाई होगी चेस्ट का 12 × 1/2 इंच, तो हमारा 3.5 इंच आता है। 3.5 इंच हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए हम इसको इंची टेप को सीधा रखते हुए हमें नेक टू चेस्ट पर निशान लगाना है, जो हमारा 10 इंच था उससे हमें 1 इंच लेके नीचे तक एक लाइन लगानी है। हमारे इसी ब्रश पॉइंट से सारे निशान लगेंगे। उसके बाद जो हमारी लंबाई है उसके ऊपर हम 1.5 इंच लेंगे और इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, जहां पर भी हमारा 1.5 इंच आ रहा है उससे हम सीधा लाइन लगा देंगे। यहां पर भी हम इस तरह से रखेंगे और 1.5 इंच की दूरी से हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। अब हम यहाँ से देखिए 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इंची टेप रखेंगे और 2.5 इंच की दूरी से हम ये लाइन लगा देंगे। देखिए हमारी सारी डॉट डल गई हैं। अब हमें मार्जिन लेना है, साइड में मार्जिन हमारा 1.5 इंच बहुत होता है, 1.5 इंच हम यहाँ निशान लगाकर और सीधी लाइन मिला देंगे। देखिए आपका फ्रंट का ड्राफ्ट तैयार है। अब मैं आपको यहाँ पे बैक का ड्राफ्ट बताऊंगी। अब हम बैक का ड्राफ्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो तीरा था वो 5 इंच है, यहाँ से हम 5 इंच की लाइन लगाएंगे और हमारी जो लंबाई थी वो 14 इंच तैयार है, तो 14 इंच पे निशान लगाकर बैक में हम 2 इंच लेंगे मोड़ने का, तो 16 इंच लंबाई हो गई हमारी। एक लाइन हम 16 इंच पे लगाएंगे और एक लाइन हम 14 इंच पे लगाएंगे। अब उसके बाद जो हमारा आर्म होल था वो 5.5 इंच है, बैक की जो हमारी चौड़ाई होगी वो चेस्ट का 4 होगी, तो उसके लिए हमें सिर्फ चेस्ट का 4 9 इंच लेना है। यहां पर भी हमें 9 इंच का निशान लगाना है
और स्केल की सहायता से लाइन लगानी है। तीरा हमारा 5 इंच था, 5 इंच हम यहाँ पर लेके और इसको भी सीधी लाइन लगाएंगे। देखिए हमारी जो गले की चौड़ाई वो 3 इंच है, तो 3 इंच की दूरी पे हम लाइन निशान लगाएंगे और उसके बाद हमारी जो गले की लंबाई है बैक की वो 8 इंच है, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और चौड़ाई का 3 इंच लगाएंगे और इसको फुट्टे की सहायता से लाइन को मिलाएंगे और हम इसको गोलाई करेंगे। अब हमें देखिए आर्म होल की बैक की शेप करनी है, तो हमने ये 5.5 इंच से इसके 3 हिस्से करने हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, तो हमें अब जो शेप करनी है वो दूसरे से करनी है और यहाँ की जो दूरी है वो 1.5 इंच रखनी है और इसको टच करते हुए जाना है। देखिए हमारी बैक की शेप हो गई। अब जो यहाँ से निशान लगेगा वो 3.5 इंच पर लगेगा, ये बैक की डॉट है। 3.5 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हम 10 इंच हमारा ब्रस्ट पॉइंट था, 10 इंच से हम सीधे नीचे तक लाइन लगा देंगे। साइड में जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा। देखिए हमारा बैक का ड्राफ्ट तैयार है। चलिए अब हम कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए हम यहाँ फ्रंट का नेक है, पहले हम इसको काटेंगे। देखिए हमारे ये फ्रंट के 2 पीस हैं और बैक का देखिए यहाँ से फोल्ड साइड है, तो सिंगल पीस है। अब मैं आपको प्लेट के एक आसान तरीके से निशान उतारने सिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे जो प्लेट है हम यहाँ पे छोटा सा कैंची की सहायता से कट लगाएंगे, यहाँ फ्रंट में भी कट लगाएंगे। देखिए मैंने सब जगह छोटे छोटे कट लगा दिए और कैंची की सहायता से जहाँ पे हमारे ये पॉइंट्स है इनको इस तरह से दबा देंगे तो यहाँ पर भी निशान आ जाते हैं। देखिए इस तरह से निशान आ गए। इसको हम साइड कर देंगे। अब हमारा देखिए ये बैक है, बैक पे भी हम यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद देखिए हमारा ये निशान आ गया। देखिए ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है और ये इस तरह से डबल था। अब हमें इसको 4 तह करनी है, 4 तह में हमारी दोनों बाजू निकल जाएंगी। अब हमारी जो इसकी चौड़ाई है वो चेस्ट का 4.9 इंच होनी चाहिए। देखिए हमारी ये चौड़ाई पूरी 9 इंच है। उसके बाद हमारी बाजू की लंबाई 5 इंच तैयार थी, तो 5 में 2 इंच हम नीचे मोड़ने का लेंगे, 7 इंच हमें लंबाई लेनी है। देखिए हमारा जहाँ से खुली साइड है वहाँ से हमें चेस्ट का 12.5 इंच लेना है, जो कि हमारा 3.5 इंच होगा और यहाँ से हमें तिरछी लाइन लगानी है। अब हमें क्या करना है देखिए मैं आपको शेप करने का तरीका बताती हूँ। ये हमारा 10 इंच आया है, तो 10 का आधा हमने 5 पे निशान लगाया। जो अगर आपको ना करना है तो आप इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसका भी हाफ पे निशान लगाना है और इतना ही हमें यहाँ पे भी लगाना है। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं और ये हमारी खुली साइड है, तो 1/2 इंच हमें नीचे की तरफ लगाना है जहाँ पे खुली साइड है और जहाँ पे बंद साइड है वहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। अब आपको देखिए इसको टच करते हुए जाएंगे आप इस लाइन को और सेंटर में मिलाते हुए और इस तरह से ऊपर तक ले जाएंगे। ये आपकी फ्रंट की शेप हो गई। देखिए ये हमने फ्रंट की शेप करी है, बैक की शेप हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये देखिए इसको धीरे धीरे उठाते हुए ले जाएंगे, ये हमारी बैक की शेप है। अब हमारी जो लंबाई है वो थी 5 इंच तैयार। देखिए मैंने 7 इंच बाजू को लिया था जिसमें 5 इंच में 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, हमें 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए कपड़ा चाहिए। ये देखिए मैंने 1.5 इंच की लाइन लगा दी है। अब उसके बाद हम इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे।
अब देखिए हमारी बाजू की जो गोलाई थी वो 5.5 इंच है, 5.5 का निशान तो ये लगाएंगे, और हमें मार्जिन साइड में हमने 1.5 इंच रखा है तो 1.5 इंच यहाँ पे भी मार्जिन रखेंगे, जो हमारा 7 हो गया, और इसको हम तिरछा मिला के यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए अब हमें कटिंग क्या करनी है, ये काटेंगे, ये बैक की शेप इस तरह से कटिंग करनी है। देखिए ये हमारी गले की कटिंग की साइड से पट्टी बची थी तो उसको हम यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और 2.5 इंच पट्टी की चौड़ाई लेंगे। हमारी 2 पट्टियाँ लगेंगी तो 2.5 इंच चौड़ाई लेनी है हमें। देखिए अभी हमारी 2 पट्टियाँ कट गई। देखिए ये हमारा कपड़ा बचा था बाजू की शेप में से, अब हमारी इसमें देखिए उरे पट्टी आराम से निकल जाएंगी, जो हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकालनी है। देखिए यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग खत्म होती है। ये आपका फ्रंट है जो 2 पीस है, ये बैक है जो 1 पीस है, ये गले की पट्टियाँ हैं जो 3 पीस हैं, बाजू है ये 2 पीस है और 2 फ्रंट की पट्टियाँ हैं। अब मेरी यहाँ पे कटिंग खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। जो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।